हेलो गाइस गाइस, आप सब लोग कैसे हैं गाइस? आज हम आपके लिए बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि यूपी के अंदर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। तो गाइस, बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान सा प्रोसेस है। और ये जो रजिस्ट्रेशन है, ये हमें आज अगर हम अप्लाई करते हैं तो अगले ही दिन हमें इसकी अप्रूवल मिल जाती है। तो मतलब एक इंस्टेंट बेसिस पे कह सकते हैं कि आज हमने अप्लाई करा और कल ही हमें इसका अप्रूवल मिल गया। तो जो फ्रेंड्स, ये जो हमारी स्टेचुटरी फीस है, इसकी 1000 रुपीज की स्टेचुटरी फीस है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। और एक इसका पोर्टल है निवेश मित्रा। निवेश मित्रा पोर्टल पे जाकर आपको इस शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट के लिए अप्लाई करना होता है। तो फ्रेंड्स यार, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और देख जानते हैं कि किस तरीके से शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन लिया जाता है यूपी के अंदर। तो इसके लिए फ्रेंड्स, हम अपना वेब ब्राउजर ओपन करेंगे। वेब ब्राउजर ओपन करने के बाद हम उसमें टाइप करेंगे निवेश मित्र। निवेश मित्र, ये वो वेबसाइट है फ्रेंड्स यूपी में, जो ढेर सारे रजिस्ट्रेशन अपने अंदर लिए हुए है। मतलब जितने भी आपको स्टेचुटरी रजिस्ट्रेशन लेने हैं, वो सारे के सारे आपको इसी वेबसाइट से मिलने वाले हैं। ये एक यूपी गवर्नमेंट की सिंगल विंडो सिस्टम है, जिससे वेरियस स्टेचुटरी लाइसेंसेस आप गेट कर सकते हैं, जैसे कि शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, या फिर पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन। तो यार, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन आप यहां से कर सकते हैं, पर फिलहाल मैं जो आपको अभी बताने वाला हूँ, वो बताने वाला हूँ कि शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट पर कैसे रजिस्टर करना है। तो इस साइट पे जाने के बाद पहले अपने आपको आपको रजिस्टर करना होगा। और रजिस्टर करने के लिए यार, एक छोटा सा फॉर्म है, बेसिक सी इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, कोई बड़ा हार्ड फॉर्म नहीं है। तो आइए देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें रजिस्टर करना है। सबसे पहले आपको अपनी कंपनी का नाम एंटर करना है। यहाँ पे नाम आपको अपनी कंपनी का नाम एंटर करना है, मतलब जिसके लिए आप रजिस्ट्रेशन लेने वाले हैं, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, जो भी है। उसके बाद ओनर का नाम आपको यहाँ डालना है, उनका फर्स्ट नेम, उनका लास्ट नेम यहाँ डालना है। और उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे हम, और उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर डालने के बाद ये कैप्चा डाल के और हम रजिस्टर कर देंगे। जैसे ही फ्रेंड्स हम रजिस्टर करते हैं, तो हमारी जो ईमेल आईडी हमने यहाँ पे डाली है, उस ईमेल आईडी पे एक लिंक जाता है जिसमें हमारा यूजर नेम और वन टाइम पासवर्ड लिखा होता है। तो उस पर के साथ एक लिंक जाएगा। लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो मेल आईडी है वो वेरीफाई हो जाएगी, और फिर आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा। तो जो यहाँ मोबाइल नंबर आपने डाला है, उस पर एक ओटीपी जाएगा, और वो ओटीपी वहाँ डाल के आप अपना मोबाइल नंबर भी वेरीफाई कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों, आपको रजिस्टर करना है निवेश मित्रा की वेबसाइट पे। तो आइए आप जानते हैं कि शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन कैसे अप्लाई करना है आपको। तो इसके लिए हमें लॉग इन करना होगा फ्रेंड्स। तो लॉग इन करने के लिए हम जाएंगे होम पे। होम पे जाने के बाद फ्रेंड्स, अब हमें लॉग इन टैब पे जाना है। तो हम ये होम पेज पे आ चुके हैं फ्रेंड्स। होम पेज पे जाने के बाद फ्रेंड्स, हमें अब यहाँ पे आपको लॉग इन करना है। ये जो हमारा है, इसमें हमें लॉग इन करना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप लॉग इन कर लेते हैं, ये आपका डैशबोर्ड आपको नजर आ रहा है। इस डैशबोर्ड में काफी सारी चीजें हैं, लेकिन हम ये वन बाय वन नहीं देखेंगे। हमारा जो अभी वीडियो का टॉपिक है, उसी पे कंसर्न करते हैं। पहले उसके सबसे पहले हमें आपको हमें सबसे पहले हमें ये कॉमन एप्लीकेशन जो फॉर्म है, ये फिल करना होगा। इसे फिल करने के बाद हमारी एक आईडी जनरेट हो जाएगी, एंटरप्रेन्योर आईडी, और जिसके लिए हमें शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन लेना है। तो यहाँ पे आप न्यू यूनिट पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपकी जो भी यूनिट है, उसका नाम आपको बाई डिफॉल्ट यहाँ मिलेगा। उसके बाद ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। फिर उसके बाद लोकेशन ऑफ यूनिट, ऑथराइज पर्सन की डिटेल है, उसके बाद वेरीफाई करना है। ये सारी कुछ करने के बाद आपकी एक यूनिट जो है वो ऐड हो जाएगी, और उसके बाद आपको जाना है अप्लाई फॉर परमिशंस एंड एनओसी। इस पे जाने के बाद फ्रेंड्स, आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे जो अपनी यूनिट आपने बनाई है वो यूनिट, और उसके बाद यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। मैंने ये पहले ही ले रखा है, तो मेरे को इस वजह से इस तरीके से दिख रहा है। आप यहाँ पे जाके सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा रजिस्ट्रेशन अंडर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। इसमें जाके आपको इस पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद प्रोसीड विद चॉइस ये कर देना है आपको फ्रेंड्स। उसके बाद आप ये जो फिल कॉमन फॉर्म है, ये फिल करेंगे हम। ये मैंने पहले ही फिल कर रखा है, पहले ही मैं दिला चुका हूँ अपने क्लाइंट को, तो मेरे पास सर्टिफिकेट ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन आप इसको फॉर्म को फिल करेंगे, फिल जब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक नया वेब ब्राउजर ओपन होगा आपका फ्रेंड्स, एक न्यू पेज ओपन होगा आपका फ्रेंड्स। ये हमारा न्यू वेब पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट, ये पहले से ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है। उसके बाद ये सारी की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ डालनी है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद
आपको कैलकुलेट करनी है फी। फी कैलकुलेट करेंगे आप तो 1,000 रुपये की फीस आपको यहाँ दिखाएगा, और इसको आप सबमिट करने के बाद फिर अपनी जो फी है वो पे कर देंगे। जैसे ही आपकी फी पे हो जाती है, उसके बाद अगले ही दिन आपको जो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन है वो आपको मिल जाता है, और आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई द वीडियो। और प्लीज कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, और अगर आप चाहते हैं किसी स्पेशल रजिस्ट्रेशन के लिए, आप चाहते हैं कि सर ये रजिस्ट्रेशन कैसे लिया जाता है, इसका क्या प्रोसेस होता है, तो प्लीज मेरे को कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके ऊपर एक जरूर वीडियो अपलोड करूंगा। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज फ्रेंड्स मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स।